हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। आई नो जो देख के आए वो बिल्कुल है स्मार्ट टीवी कबाब, ये है एक्चुअल में। बट उस पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फर्क पता चला या नहीं? 500 ग्राम कम हुआ नहीं कि शॉप शुरू? बस अपनी ऑडियंस को मालूम है सब कुछ। तो चलो सही, पतले होने वाली बातें चलती रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट अमेजिंग टीवी, पावरगार टीवी। तो पहले तो टीवी को अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते क्या क्या एक्सेसरीज हैं और बाकी फीचर्स, उसके बाद बताते हैं। तो ये है हमारा वो स्मार्ट टीवी, पावर गार्ड का स्मार्ट टीवी, 32 इंच का ये एलईडी टीवी है। स्मार्ट टीवी है, 720 रेजोल्यूशन के साथ आता है ये। एंड हाँ, जो भी ब्लूटूथ वगैरह वाली चीज़ें वो सब हम धीरे धीरे बताएंगे। एंड जो इसका 55 इंच के जो टीवी आते हैं उन सभी में सेम फीचर्स हैं। तो मैं जो भी इन टीवी के फीचर्स बताऊंगा या इस टीवी का फीचर बताऊंगा वो आपको उस तक मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्स करते हैं, लेट्स चेक आउट क्या क्या आपको एक्सेसरीज मिलने वाली हैं इस टीवी के अंदर। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा? यहाँ पर हमारे पास है खूनी चाकू। सो खूनी चाकू से लेट्स फर्स्ट अनबॉक्स एंड एक्सेसरीज चेकआउट करते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं हम टीवी की। ढेर सारी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, शर्म कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। सो ये रहा चाकू, खूनी चाकू। तो यार यहाँ पर तो सबसे पहले ऊपर लिखी है कृपया दोनों तरफ से पकड़ें, चेतावनी लिखी गई है यहाँ पर। सो यस, ये यहाँ पर रिबन्स हैं। सो यहाँ पर है कुछ जन्म पत्रियाँ, ये कुछ दो रिमोट जिनके बारे में आगे बताएंगे। ये है वॉल माउंट अगर वॉल पे लगाना हो। एंड ये है इनकी टांगे विद स्क्रूज। तो ये तो है एक्सेसरीज जो इसमें निकली है। एंड सबसे मेन पार्ट जो है हमारा टीवी जो इसमें यहाँ पर निकला है। तो अब इनकी टांगे वगैरह चिपका लेते हैं। तो यार ये रहा टीवी, अब लेट्स इसकी हम टांगे लगाएं। एंड सच कहूँ तो ये बिना टांगों के भी ऐसे ही खड़ा हो जा रहा है टीवी, ठीक है। सो क्या ज़रूरत है टांगे लगाने की? हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। टीवी पूरा सेटअप हो चुका है, ये रहा। अब पहले इसकी ये थैलियाँ से उतार देते हैं। तो यार ये रहा टीवी, इसका कुछ इस तरह का लुक है। एंड अब हम बात करते हैं इसके बारे में एकदम डिटेलिंग में, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या पिक्चर क्वालिटी है, क्या साउंड क्वालिटी है, इस सभी की सभी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इसको कुछ करीब एक हफ्ता के करीब इसको यूज़ करेंगे। एंड उसमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस है साउंड का, पिक्चर का, एंड जो मैंने फीचर्स बताए थे ना स्मार्ट टीवी का बाप, बिल्कुल वो सभी के सभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक हफ्ते के यूसेज के बाद। सो मेरी छुट्टी भी जाती है, आपके लिए तो एक हफ्ता हो जाएगा। सो यार कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है, मास्क लगाना लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना मास्क लगाए बाहर तो निकलने की जरूरत है ही नहीं आपको, वैसे बिना वजह निकलने की जरूरत नहीं है बाहर आपको। बाकी स्टिल, बाकी यार अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली, काफ़ी क्लास अनबॉक्सिंग थी। आई ने थोड़ा फनी वे में बनाने की ट्राई किया था, बट जो भी है ट्राई करना हमारा फ़र्ज बनता है। बाकी यहाँ ये वाला जो अनबॉक्सिंग है लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। एंड ये टीवी भी काफ़ी ज़्यादा क्लास था। एंड अब हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड लाइक 6 to 7 days हो चुके हैं मुझे इसको टीवी को यूज़ करते करते लिटरली। सो आज हम बताएंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट रिव्यू, एंड एक एक चीज़, एक एक जो स्मार्ट फीचर जो इसको बनाता है स्मार्ट टीवी का बाप। सो ये रहा हमारा टीवी। सो अब टीवी के सामने बैठ गए हैं तो अभी आपको टीवी ऑन करके दिखाते हैं। तो इसका कुछ बूट एनिमेशन जो है कुछ इस तरह का रहेगा। सी क्लियरली पावर गार्ड लिखा आ रहा है। ये जो है अराउंड 10 से 15 सेकंड लेता है ऑन होने के लिए, मैक्सिमम जो है 20 सेकंड्स लेता है होम तक आने के लिए। वहीं जब मैं अगर अदर टीवीज़ की बात करूँ लाइक एंड्रॉयड टीवी, MI, रियलमी, वो 30, 40, 50, 60 सेकंड्स तक ले लेते हैं प्रॉपर ऑन होने के लिए। बट आप क्लियरली देख सकते हैं लाइक 15 सेकंड्स के अंदर या 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स ने लिए हैं प्रॉपरली टर्न ऑन होने के लिए। एंड ये जो है इसका पहला ये होम आता है इसका। यहाँ पर आपको प्रॉपर टिपिकल एंड्रॉयड वाला वही वेदर फॉरकास्ट, ये यहाँ पर है इसके प्रॉपर कि कौन कौन से पोर्ट्स में आप जा सकते हो डायरेक्ट, लाइक अगर आपने ऑडियो वीडियो वन, ऑडियो वीडियो टू, ये जो VCR वगैरह नहीं होते थे पुराने वाले उन पे जाने के लिए। वहीं HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3। अब यहाँ पर तो HDMI का लिटरली मेरे को काफ़ी सही लगा। क्यों? आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, सेट टॉप बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड मेरे ऐसे लोग तो लैपटॉप वगैरह भी लगा लेते हैं भाई साहब HDMI 2 पे। थर्ड, अब हम जैसे अभी गरीब यूट्यूबर्स का PS5 तो नहीं है, बट जिनके पास PS5 3 है वो HDMI 3 को भी यहाँ पर रिकॉल या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ, यहाँ पर VGA है इन केस अगर आपको एज ए कंप्यूटर से यूज़ करना है इसको, एज ए कंप्यूटर की डिस्प्ले। सो दिस इज द थिंग फॉर दैट, ठीक है। ये अभी बाकी ये तो है अभी बेसिक कनेक्टिविटी, बाकी अदर कनेक्टिविटीज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यार टीवी के आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिकॉल ऑल द बेसिक फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए, जिसके लिए मुझे मालूम है हर बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टीवी है ये 720p रेजोल्यूशन का टीवी है, 60 हर्ट्ज का ये पैनल है। एंड इसका जो एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड 9.0 है।
लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह जो है वो देती रहती है। मैंने कंपनी से बात की, हाँ उन्होंने कहा है कि हम रेगुलर अपडेट्स वगैरह देते रहेंगे, और हाँ इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इतना फ्लुएंट, मतलब ना ही कहीं पर हैंग होता है, ऐसे मुझे नहीं फील हुआ कि मैं कोई स्लो टीवी चला रहा हूँ। और हाँ अभी आपको मैं बता देता हूँ, मैंने कंपनी से ऑलरेडी बात की थी, जो भी आपके बेसिक्स पॉइंट्स होंगे अगर कुछ कमी है तो मैं वो भी वीडियो में क्लियर बताऊंगा, और कुछ अगर कमी नहीं है तो वो भी मैं वीडियो पे क्लियर बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा अनबायस वीडियो है, क्योंकि मैंने तो कंपनी को सीधा ही बोलता हूँ अगर आपको बायस वीडियो चाहिए तो मुझे प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, ये मेरा बेसिक रूल है। और हाँ इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद आपको इसमें दो रिमोट मिलते हैं, एक है ये प्रॉपर बटन्स वाला, अच्छे खासे बटन्स हैं, ये आईआर ब्लास्टर वाला रिमोट है, एंड ये सेकंड रिमोट है मिनिमलिस्टिक बटन्स वाला, ये है ब्लूटूथ रिमोट। अब हम इसके फीचर्स हम आगे बात करेंगे, एंड थर्ड रिमोट एज ए आप मोबाइल को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आप काइंड ऑफ थ्री रिमोट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। सो अगला पॉइंट है आप टीवी का, वो है बटन्स एंड पोर्ट्स, कितने तरह के इसमें बटन्स हैं, कितने तरह के इसमें पोर्ट्स हैं। सो लाइक इसमें वॉल्यूम अप डाउन पावर ऑन का बटन है इसमें, जो टीवी के साइड में लगा है, एंड वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। अदरवाइज जो मैंने अभी तक जितने भी टीवी अनबॉक्सिंग की है उसमें वो बटन्स बिल्कुल पीछे जाकर होते हैं, लाइक कोई भी हाथ वगैरह डालने में काफ़ी दिक्कत होती है अगर इनकेस आपके उस रिमोट नहीं मिल रहा एंड ऑल। सो यस, इसका जो प्लेसमेंट लगा ना मुझे बटन्स का, वो काफ़ी अमेजिंग लगा, एकदम टीवी के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में बाहर है, इजीली एक्सेसिबल है। सो यस, उस एक्सेसिबिलिटी के लिए इसको 5 में से 5 नंबर देता हूँ। बाकी बटन की क्वालिटी टक टक वाली है, ज़्यादा यूज़ करने तो होते नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डैट मच अनॉइड। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। लाइक जो लेफ्ट साइड में इसके जो पोर्ट्स हैं, वहाँ पर आपको 2 USB 3 HDMI केबल्स हैं, उसका जो पोर्ट है आपको मिल जाएंगे। एंड आपको एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें एक जो आपको दिख रहा होगा डोंगल, वो ब्लूटूथ वाला रिमोट के लिए डोंगल है। एक्चुअल में क्या है, ये रिमोट जो है वो एयर वाला भी रिमोट है, तो ये हम बात आगे बताएंगे, बट ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ लगी हुई है। सो कन्फ्यूज़ मत होना, ये तो है साइड में जो ईजिली एक्सेसिबल है, एंड जिसमें कुछ पोर्ट्स हैं वो नीचे की तरफ दिए हुए हैं, मुझे थोड़ा एक्सेस करने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट हाँ वन टाइम पोर्ट्स आपको एक बार लगाने हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ऑडियो वीडियो 1 और 2 ये दो वाले पोर्ट्स हैं, आपको VGA वाला पोर्ट वहाँ मिलता है, आपको हेडफोन जैक वहाँ मिलता है, इनकेस अगर आपको स्पीकर्स हेडफोन्स ऐसा कुछ लगाना है तो आप वहाँ लगा सकते हो। नो डाउट आप ब्लूटूथ हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ ये चीज़ें आप लगा सकते हो। एंड ईथरनेट केबल का भी वहाँ पर एक पोर्ट है। सो अब मैं यहाँ पर ईथरनेट पर अगर आ ही गया हूँ, तो इसमें एक और चीज़ जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगा, जो कि हॉटस्पॉट, आप इस टीवी से लिटरली हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो। लाइक अगर जैसे हमारे मोबाइल में होता है हॉटस्पॉट, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो हॉटस्पॉट करके आप ऑन ओवर दे सकते हो, बट अगर आपके घर में वाईफाई डोंगल नहीं है या फिर वाईफाई वाला वो मॉडम नहीं है और आपने डायरेक्ट इसको केबल दे रखी है, आप इसमें से हॉटस्पॉट ऑन करके अदर डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हो। डैट इज़ द बेस्ट एंड यूनिक पार्ट आई हैव एवर सीन इन एनी एंड्रॉयड टीवी, लिटरली मज़ा आ गया। सो नाउ कमिंग टू द OS, एंड्रॉयड 9 पे ये वर्क करता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट जो इसका खुद का OS है वो कितना क्लास है शो कर देते हैं हम आपको। सो आप यहाँ टीवी पर देख सकते हैं, ये कुछ इसका यूज़र इंटरफेस है, जो इसमें टॉप वीडियोस रहती हैं वो यहाँ पर ही ऊपर ही ऑटोमेटिकली एक्सेस आ जाता है। जैसे कि लाइक अभी आशीष चंचलानी का रीसेंट वीडियो था द मम्मी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाने वगैरह एंड ऑल सब आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इसके मेन फीचर्स हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐप्स में, तो पहले अगर मैं यहाँ पर ऐप्स में जाऊँ तो यहाँ पर आप क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं ऐप स्टोर, इसमें ऐप स्टोर में जो भी इस टीवी के साथ कंपेटेबल ऐप्स हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछेंगे प्ले स्टोर है, बिल्कुल है, अब उसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे है, बट हाँ अभी यहाँ पर ऐप स्टोर है। बाकी यहाँ पर ये मीडिया सेंटर है जिससे आप पेन ड्राइव वगैरह एक्सेस कर सकते हो, अगर आपने पेन ड्राइव एंड ऑल लगा रखा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं Gmail, TV असिस्टेंट, क्लाउड पिक्टोरियल, एयर प्ले भी है इसमें, मेरा कास्ट भी है। अब मेरा कास्ट तो सबको पता है क्या होता है, अब अगर आपके पास एप्पल का डिवाइस है तो आप काफ़ी इजीली एयर प्ले जो इसमें यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी एंड्रॉयड टीवीज में मिसिंग होता है, इसमें ये भी है। अब आपको एयर प्ले किस तरह कनेक्ट करना है ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। प्ले कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे जैसे लाइक एयर प्ले की ऐप में जाना है एंड वापस हमारे आईपैड पे आएंगे आप, तो आईपैड में यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन मिररिंग, एंड स्क्रीन मिररिंग में आप देख सकते हैं E-Share 3133 एंड यहाँ पर भी वही सेम चीज़ जो आ चुकी है। याद रखना सेम वाईफाई नेटवर्क पे होना चाहिए तभी आपका जो E-Share है काम कर पाएगा। सो आप स्क्रीन पर देखेंगे अगर तो एग्जैक्टली मेरा आईपैड जो है वो क्लोन बन चुका है, तो अभी मैं जो भी यहाँ पर यूज़ करूँगा आप देख सकते हैं, लाइक जो भी यहाँ पर यूज़ करूँगा सारा का सारा आईपैड में वो स्क्रॉलिंग होता जाएगा। ये टोटली आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी डिपेंड करता है, लाइक अगर आप देख सकते हैं फोटोज़ वगैरह ये सब कुछ जो भी मेरा, लाइक अगर मैं यहाँ पर पिक्सार्ट भी कुछ भी मतलब लाइक इवन दो अगर मैं मूवी भी प्ले करूँगा तो वो भी वहाँ पर प्ले होगी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यूट्यूब भी है, यहाँ पर आप ब्राउज भी कर सकते हो लिटरली,
वैसे इनका खुद का ब्राउजर है इसमें, ये आप देख सकते हैं एज ए काइंड ऑफ क्रोम की तरह खुलेगा। एंड अनदर बेस्ट पार्ट मुझे इसमें जो लगा, आपको गूगल पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ऐप स्टोर पे जाते हो तो आप डायरेक्ट ही कोई भी जो ऐप्स वगैरह वो टीवी पे डायरेक्ट डाल सकते हो, बट हाँ अगर आपको गूगल के या प्ले स्टोर के ऐप से ही करना है सब कुछ डाउनलोड एंड ऑल, सो आपको तब आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे थोड़ा अच्छा पार्ट लगा। आप यहाँ पर जीमेल एंड ऑल ये सभी चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हो। अब जो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो मुझे इस टीवी का लगा, जो कि है स्काइप एंड जूम कॉल, यहाँ पर आप ये दो चीज़ें देख सकते हो। अब आप कहोगे कि ये तो कॉलिंग ऐप्स है, इसमें धक्के से डालिए, नहीं, इसमें एक्चुअल में यू कैन अटेंड जूम कॉल्स एंड स्काइप कॉल्स कैमरा लगा के, जो भी आपके पास वो वेब कैम्स एंड ऑल होते हैं डायरेक्ट प्लग इन करो। आप क्लियरली देख सकते हो कि आप मैंने प्लग इन किया है एंड उसमें आई एम अटेंडिंग जूम कॉल्स विद माई फ्रेंड्स। कैमरा मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, इसमें आपको इंक्लूड नहीं है, आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, बट हाँ ये टीवी सपोर्ट करता है। इन केस अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो क्या आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, आप क्लास अटेंड कर सकते हो, बस दिक्कत ये है कि आपको सामने वाला नहीं देख सकता, बट आप सामने वाले का लेक्चर एंड ऑल जो भी है वो सुन सकते हो। अब उस केस में माइक क्या यूज़ होगा? ठीक है, अभी तो लाइक वेबकैम लगा है तो वेबकैम पे माइक होता है, वो यूज़ होता है, बट अगर आपके पास माइक नहीं है या ऐसा कुछ है तो ये जो स्मार्ट रिमोट है, ये स्मार्ट रिमोट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक माइक है। ऑल यू हैव टू डू जस्ट, जब भी आपको कुछ बोलना है तो ये माइक वाला बटन दबा कर रखना है और आप जो भी बोलोगे वो सामने टीवी पर या सामने वाले को सुनेगा। सो यस, जो माइक है काइंड ऑफ ये है आपका। तो यार ये जो अभी तक एक्सप्लेन किया वो था पहला फीचर जूम कॉल। अब अगले फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि है पूरा का पूरा टीवी इज ऑपरेटिंग बाय मोबाइल। अगर ये दो रिमोट भी अगर आपको कम पड़ जाते हैं या आप मोबाइल के कुछ ज़्यादा ही शौकीन हो, सो ऑल यू हैव टू डू जस्ट डाउनलोड द ऐप ई शेयर इन योर टैबलेट इन योर मोबाइल एंड उसके बाद आपको जो कुछ करना है वो कुछ इस तरह से है। सो यार आपको क्या करना है, आपको ई शेयर HD नाम की ऐप डाउनलोड करनी है आपके टैबलेट में, मोबाइल में, या फिर जो भी आपके पास आईपैड वगैरह, मेरे पास आईपैड है, करना है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ई शेयर 3133। एंड अगर आप टीवी पर देखेंगे लाइक तो वहाँ पर भी आपको ई शेयर 3133 सर्वर जो आपको दिख रहा है वो, ठीक है, तो वही चीज़ आपको सेम आईपैड पर जो है सिलेक्ट करना है यहाँ पर एंड कनेक्टिंग में ये आपका कनेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो मेन फीचर्स हैं आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी मिररिंग। अब टीवी मिररिंग में क्या होगा, ये तो लाइक अगर आपके पास एयरप्ले है या मीरा कास्ट है वो चीज़ों के लिए है। टीवी मिरर एक है यहाँ पर, जैसे लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो टीवी का स्क्रीन है वो कंट्रोल यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पर अगर हिला रहा हूँ तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जो माउस कंट्रोल के साथ वो आएगा। एंड इधर यू कैन क्लियरली सी एक ऑप्शन है जहाँ पर होम बटन की बोर्ड एंड वाली ऑप्शन है। जैसे लाइक मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने होम किया तो वहाँ पर आपका होम, तो ये सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। एंड इवन तो आप इसको एज ए कीबोर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड ये तो है टीवी मिरर काइंड ऑफ। एंड अगला ऑप्शन है ये रिमोट। अब रिमोट में आपका काइंड ऑफ ये छोटा सा माउस पैड एंड इसके सारे कंट्रोल अप डाउन, ये स्क्रॉलिंग आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रॉलिंग चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये सेम माउस पैड की तरह। एंड यहीं आपका वॉल्यूम हाइट बटन प्लस बटन, ये मेन्यू का बटन है आपका, ये यहाँ पर आपका कीबोर्ड का बटन, एक तरह से आपका जो टीवी है वो आपका एक वायरलेस PC बन जाएगा के मोबाइल या टैबलेट के हेल्प से, ठीक है। सो ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव फीचर लगा इसमें। एंड है अगला है यहाँ पर ऐप लिस्ट। अब यहाँ पर जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी की सारी आपके टीवी में मिल जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि प्ले स्टोर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सो हेयर इज़ द प्ले स्टोर, कि लाइक आपका जो प्ले स्टोर है यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, टीवी में डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। एंड इस प्ले स्टोर का मेन रीज़न जो कंपनी ने बताया था कि टीवी में इसलिए नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें ऑलरेडी इनकी खुद की ऐप जो है वो ऐप स्टोर नाम की ऐप जो है इनकी टीवी में है, जिसमें जो भी इसके पास कंपेटेबल ऐप्स है वो सारी की सारी आपको टीवी में डाउनलोड हो जाएंगी। बट प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में क्या होगा कि लाइक कोई भी ऐप जैसे मान लो पबजी भी जो है इसमें दिख जाएगी, अगर मान लो पबजी वगैरह से कुछ होती तो वो भी दिख जाएगी और इंस्टॉल भी हो जाएगी, बट यही है कि लाइक ग्राफिक कार्ड नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है तो उसमें वो चलेगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये गूगल प्ले स्टोर जो डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया, आपको ई शेयर के थ्रू आप यहाँ पर से एक्सेस कर सकते हो प्ले स्टोर को। बाकी आपका वही जीमेल, टीवी असिस्टेंट, ई शेयर HD सारी की सारी ऐप्स वो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब, इवन तो आप कोई भी न्यू ऐप डाउनलोड करते हो तो वो भी यहाँ पर ऐप लिस्ट में ही आपको दिखाएगी, ठीक है। सो अगला जो फीचर एक और चीज़ मुझे लगी वो है जब आप टीवी मिररिंग करते हो और लाइक आप जब फोटोज़ वगैरह दिखाते हो तो लाइक हमारी गैलरीज में क्या होती है, जैसे लाइक 15-20 फोटोज़ होती हैं। अब आप जब स्क्रीन मिररिंग कर रहे हो उस दौरान लाइक जस्ट वो फोटो शेयर या दिखाने के लिए, तो आप क्या चाहते हो कि लाइक मैं सिलेक्टेड फोटोज ही दिखा पाऊँ, है ना, तो लाइक मैंने जिस फोटो पे क्लिक किया जो खुले ओनली वही टीवी पे आए, तो वो भी कुछ इस तरह से वर्क करती है। एंड लिटरली ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, इनकेस लाइक मुझे फैमिली में फोटोज़ वगैरह दिखानी हो तो कुछ अनवांटेड फोटोज़ होती हैं जो कि आई डोंट वॉन्ट टू शो दैम,
सो मैं लाइक टैबलेट में आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ किस तरह चल रहा है कि जो भी मैं पिक्चर पर क्लिक कर रहा हूँ ओनली वही टी वी पर डिस्प्ले हो रही है, वो भी ये ई शेयर ऐप के थ्रू ही होती है एंड आपको उसमें भी बता दिया किस तरह से। सो अगली जो चीज़ है वो है फ्रेम। अब आप इस टीवी को एज ए फोटो फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। अभी आपने हाल ही में देखा होगा सैमसंग का टीवी आया था, काफ़ी महंगा था, 1.5 लाख रुपए का था। एज ए फ्रेम आप उस टीवी को यूज़ कर सकते हो, उस टीवी को, बट इस टीवी को भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ डालनी है, ऑल यू हैव टू डू जस्ट सेटिंग पे जाना है, स्क्रीन सेवर पे जाना है, आपको फ़ोटोज़ को ऐड करना है, जो भी हमारी फ़ोटोज़ है ना या कोई भी फ़ोटोज़ आपको उनको ऐड करना है एंड स्क्रीन सेवर पे सेट कर देना है। लाइक 2 या 3 मिनट्स के बाद एज ए स्क्रीन सेवर पे आपकी वो फ़ोटोज़ जो है फ्लैश होती रहेंगी। लाइक 10 फोटोज़ लगाई हैं, 12 फोटोज़ लगाई हैं तो एक साथ वो यहाँ पर आ जाएंगी। सो ये भी मुझे बहुत सही लगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको हर वक्त पेन ड्राइव लगा कर रखनी है, पेन ड्राइव से तो सिर्फ एक बार ही डालना है आपको। और एक और फीचर जो इसमें अच्छा लगा, लाइक इन केस अगर आपको टीवी में कुछ बढ़िया सा चल रहा है और आपको उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट का बटन है रिमोट पर। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट तभी वर्क करेगा अगर आपने पेन ड्राइव इसमें लगा रखी होगी। पेन ड्राइव लगाते ही जो भी स्क्रीनशॉट है वो हमारा पेन ड्राइव में सेव हो जाएगा। सो ये भी मुझे काफ़ी सही लगा। सो अगली जो चीज़ लगी मुझे अच्छी वो थी जो इसमें वॉइस असिस्टेंट है। जैसे कि आप टीवी में देख सकते हो, मैं अपना माइक वाला बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट जो हमारा ऑन हो जाएगा। एंड हाँ, जो ओके गूगल है, मतलब जो गूगल वाला है, उसके अपार्ट इसका खुद का जो असिस्टेंट है वो वर्क करता है। लाइक इसमें आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जैसे होता है नई टीवी में सेटअप वगैरह करना है, प्री सेटअप रहता है सब कुछ। लॉग इन कर सकते हो आप गूगल का, बट विदाउट लॉग इन के इसका खुद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करता है। जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ पर अपने चैनल का नाम लेता हूँ, टेक ऑर्गेनिक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही टेक ऑर्गेनिक कहा तो डिस्प्ले पे टेक ऑर्गेनिक की जी मेरे मतलब मेरी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी की सारी यहाँ आ जाती हैं एंड आप क्लियरली यहाँ पर कोई भी वीडियोस को प्ले कर सकते हो। एंड एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है इसमें आप YouTube पे 1080 पिक्सल तक की आप जो सीन है ना वो देख सकते हो, लाइक रेजोल्यूशन के साथ ये सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा के ऑल का बटन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी मेरी वीडियो है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कुछ इस तरह की क्वालिटी है इसकी टीवी की। ये क्वालिटी की बात हम आगे करेंगे, बट हाँ यूट्यूब की वीडियोस एंड ऑल काफ़ी इजीली प्ले हो जाती हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे रिमोट्स के फीचर्स पे। ठीक है, आप लोगों ने दोनों रिमोट हमारे देख लिए, नोट दोनों तीनों रिमोट आपने देख लिया। आप अपने मोबाइल को ऐसे वायरलेस रिमोट भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपको सेम वाईफाई नेटवर्क पे रहने पे होता है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द बटन वाला रिमोट। इसमें आपको सारे के सारे बटन्स आपको दिख जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट इसमें यूट्यूब का बटन है, हॉटस्टार का, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, Z5 और इवन की स्क्रीनशॉट का बटन है। अब यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो, एस मोड, पी मोड। अब पी मोड में यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हो कोई भी पिक्चर वगैरह क्वालिटी वगैरह है। यहाँ पर डायनामिक, सॉफ्ट, विविड, यूजर स्टैंडर्ड। तो मेरा को तो जो पसंद आया इसमें वो था विविड। जनरली आप स्टैंडर्ड भी रख सकते हो, ये दो आपको पसंद आएंगे। बाकी हाँ, आपको जिस क्वालिटी में या जिस टोन पे देखना पसंद है आप उस टोन पे उस चीज़ को देख सकते हो। एंड वहीं मैं ब्लूटूथ रिमोट की बात करूँ तो ब्लूटूथ रिमोट को आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे कमरे पर भी ले जाओ और वहाँ से भी आप इस टीवी को ऑपरेट कर सकते हो इस माइक के थ्रू। मिनिमलिस्टिक सा लगा मुझे। और हाँ, इस ब्लूटूथ रिमोट में एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है ये एयर रिमोट। आप यहाँ देख सकते हो मैं जहाँ जहाँ पे भी हमारा ये टहलाऊंगा। अब ये जो एयर रिमोट वाला फीचर है ना, ये LG के टीवी में जो कि बहुत कॉस्टली टीवी होते हैं, यहाँ पर आपको 15,000 रुपये के टीवी से ये चीज़ फीचर मिलना शुरू हो जाता है। सो आपको एक बटन से ही ऑन या ऑफ आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं आई एयर ब्लास्टर में। क्या आई एयर ब्लास्टर के ये वाला जो रिमोट है बटन वाला, इसके थ्रू भी आप ये माउस वाला मोड ऑन कर सकते हो? हाँ, बट उसमें आपको एयर माउस नहीं रहेगा। जस्ट लाइक मैंने ये ऑन किया तो इसमें क्या रहता है कि ये बटन्स के थ्रू जो भी मैं सारा का सारा जो स्क्रीन है वो ऑपरेट कर सकता हूँ बटन्स के थ्रू। लाइक जो भी इस मिनिमलिस्टिक में बटन्स हैं, मिनिमलिस्टिक रिमोट ब्लूटूथ रिमोट में, वो सारे की सारी इस आई एयर ब्लास्टर में भी हैं। ठीक है, बट वहाँ पर वो एयर रिमोट वाला फीचर ओनली आपको इसमें ही देखने को मिलेगा, वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यार हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली है, अब आ जाते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी इन 5 दिनों में। एंड पर्सनली सेइंग जो इसका वॉल माउंट वाला है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट जो इसकी लेग्स वगैरह वाला है वो थोड़ा सा बाकी टीवीज के मुकाबले थोड़ा सा कम है। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको इस टीवी को एक बार प्लेस करना है, उसके बाद आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यस, यहाँ पर मैं क्वालिटी के लिए अगर आपको मिक्स क्वालिटी दूँ सारा कुछ करने के लिए तो 5 में से इसको 4 नंबर देता हूँ क्वालिटी के, स्टैंड वगैरह के। नाउ कमिंग टू द फ्रेम। फ्रेम क्वालिटी जो है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी है, शाइनिंग सी क्वालिटी है। एंड ऐसा नहीं लगता है कि आप जब टच करते हो ऐसा या कुछ भी करते हो कि घटिया सा प्लास्टिक दे दिया है। ऑब्वियसली 15,000 रुपये खर्चे हैं तो डिसेंट क्वालिटी का प्लास्टिक दिया है। इवन कि जो इसकी बैक बॉडी है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक लगी मुझे। मतलब ये लॉन्ग टर्म टीवी के लिए आप कंसीडर कर सकते हो, आपका 5, 7 या 10 साल तक कहीं नहीं जाएगा। एंड एक और बात,
आपको इस टीवी के लिए 10 साल का कस्टमर केयर सपोर्ट है। मतलब अगर आपको टीवी में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप इनके कस्टमर केयर में कॉल करके इसके टीवी के बारे में या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप हेल्प ले सकते हो, कस्टमर केयर हेल्प। नॉट कि अगर टीवी ख़राब हो जाए वो वाला नहीं, कस्टमर केयर हेल्प जस्ट फॉर द फीचर्स। अब यहाँ पर एक और फीचर जो कि है ये WPS ऑफिस, लाइक अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या एक्सेल फाइल या कोई भी फाइल, कोई भी मतलब जो होता है ना वर्ड फाइल एक्सेल फाइल, वो सभी की सभी यहाँ WPS ऑफिस में खुल जाती है। जस्ट पेन ड्राइव में डालो वो फाइल एंड हाँ इससे आप ऑपरेट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि लाइक लिखेंगे कहाँ से, तो जैसा कि मैंने बताया ना ब्लूटूथ रिमोट वाला, कि जब आपका मोबाइल आपका एज ए रिमोट काम करेगा तो आप पूरा का पूरा टाइपिंग एक्सेस एंड ऑल ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। सो नाउ कमिंग टू द पिक्चर क्वालिटी के मामले में कहूँगा मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया इसने। एक एक जो कलर्स हैं वो नेचुरल दिखाई इसमें, इट्स नॉट लाइक कि कुछ ग्रीन को जो है कम ग्रीन दिखाया या लेस ग्रीन दिखाया, जो येलो कोई भी पिक्चर टोन है उसको येलोइश कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एकदम परफेक्ट नेचुरल कलर्स हैं, लाइक मूवी देखने में एक्चुअल में मुझे मज़ा आया इसमें। इवन दो आप 4K वीडियो का भी एक सीन देख सकते हो, जो कि एकदम परफेक्ट और इम्प्रेसिव कलर्स लगे मुझे इस प्राइस रेंज में। एंड वहीं मैं बात करूँ कि एंगल व्यूज़ किस तरह के इसके, सो लाइक किसी भी एंगल से आप देख लो आपको कोई भी टेंट या कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। हर एक एंगल से आपको पिक्चर क्वालिटी जो एकदम बराबर इक्वल देखने को मिलेगी। सो पिक्चर क्वालिटी में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं लगा मुझे तो। एंड अब आ जाते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी पे, तो ऑडियो क्वालिटी ने तो भाई मुझे इम्प्रेस किया। 20 वॉट का इसमें स्पीकर इसमें लगा हुआ है, एंड जो आपको म्यूज़िक में जो बेस होती है, बेस को छोड़ के बाकी सब कुछ है, बीट्स इंस्ट्रूमेंटल, लाइक काफ़ी क्लैरिटी के साथ मुझे म्यूज़िक इसमें सुना। आपको एक NCS का ट्रैक इसमें मैं प्ले करके बता देता हूँ, एंड डिफरेंट लाउडनेस के साथ आपको प्ले करूँगा, सो दैट यू कैन हैव ए आइडिया इसका जो साउंड है वो कितना हाई जा सकता है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी में भी मैं अगर इसको रेटिंग दूंगा तो मैं 5 में से 4.5 रेटिंग दूंगा, और पिक्चर क्वालिटी में भी अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो मेरे को वो भी 5 में से इसको 4.5 रेटिंग ही दूंगा, क्योंकि लाइक मुझे ऐसा कुछ भी कमी नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी, लाइक ये टोटली रिकमेंडेबल टीवी है मेरी तरफ से। बाकी बात कर लेते जूम कॉल की जो लास्ट तक है, तो जूम कॉल जो है काफ़ी ईजिली वर्क करता है, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसमें जूम कॉल अपने दोस्तों के साथ वैसे ही गपशप मारते अटेंड करते। लाइक मेरा तो ऐसा कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है जूम कॉल के, बाकी हाँ यू कैन वर्क एनी काइंड ऑफ जूम कॉल। आजकल सबको पता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जूम कॉल जूम क्लासेस, लाइक अगर किसी पेरेंट को चाहते हैं कि वो लाइक यहाँ पर पढ़ ले तो वो एक तीर से दो निशाने वाला काम हो जाएगा कि आओ क्लास भी अटेंड कर रहे हैं एंड आपके लिए टीवी भी हो जाएगा, है ना। तो और इवन दो डिस्टेंस में वर्क करेंगे या डिस्टेंस से पढ़ेंगे तो वो भी ठीक है, आपको भी पता चलता रहेगा एज ए पेरेंट क्या बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं, या क्लास अटेंड हो रही है या नहीं। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो ऑल ओवर द अगर मुझे इसको टीवी को रेटिंग देनी हो, जो मुझे 5 में से मैं इसको 4.5 रेटिंग देता हूँ, इस टीवी ने मुझे लिटरली इम्प्रेस किया है। लाइक मैंने जो MI के TVs वगैरह लिए थे ना, अब आई एम कंसिडरिंग दिस TV। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा TV लेना चाहिए तो मैं आपको ये TV परचेज करने की सलाह दूंगा अभी आज के टाइम पे, जो अभी तक का जो मेरे पास आया है TV, ठीक है। अगर मान लो साल के बाद वीडियो देख रहे हो उसके बाद कोई इससे अच्छा TV आ गया हो तो मुझे नहीं मालूम, बट टिल दैट डेट मेरे को ये TV काफ़ी इंप्रेसिव लगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सबके, Amazon का भी एंड इनका ऑफिशियल वेबसाइट का भी। ट्रस्ट मी, आँख बंद करके TV ले लेना, मैं कह रहा हूँ आपको जिसके फीचर्स हैं
वो तो अलग ही लेवल के इम्प्रेस करेंगे। बाकी पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी इज़ लाइक सेटिस्फेक्शन, आपको मज़ा आएगा ये इतने पैसे खर्च करने के बाद। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि महंगा टीवी क्यों चिपवा दिया राहुल तूने, कभी नहीं बोलोगे सर। ठीक है, सो यार इतना भरोसा रखो अपने टेक ऑर्गेनिक पे, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इससे अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो बिंदास कमेंट्स में पूछो, कमेंट्स में आप इजीली फ्री में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं सबको जवाब देता हूं। बाकी ज़्यादा ही जल्दी चाहिए तो इंस्टा पे फॉलो करके डीएम करो, वहां पर तो आपको बहुत ही मज़ेदार एकदम डिटेलिंग में जवाब मिलेंगे आपको, क्योंकि कमेंट में क्या है कि मैं एक कमेंट का ही जवाब दे सकता हूं ना एक टाइम पे। बाकी वहां पर आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वीकेंड पे कभी लाइव आऊँ, कभी मैं नहीं भी आ पाता हूँ क्योंकि इंटरनेट या यहाँ पर बारिश वगैरह चलती रहती है तो स्लो रहता है। ठीक है, बाकी स्टिल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और किसी को टीवी लेना तो उसको शेयर कीजिए क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द इम्प्रेसिव टीवी। और हाँ, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना किसी भी हालत में, वो मुझे चाहिए। रेड आपको यहाँ दिख रहा होगा उसको दबा के ग्रे कर दो, ये कुछ इस तरह का रेड है यहाँ दिख रहा है, उसको ग्रे करना आपको। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट दिस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ ग्रेट डे गाइस।